आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम पंचायत खुंडाकारी में मुजम्मिल के आवास पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी राय रखते हुए कहा। कारी मुजम्मिल को आने वाले 19 तारीख को बहुमत से जिताने का निर्णय लिया गया। कारी मुजम्मिल ने की हमारे संवाददाता निसार मलिक से खास बातचीत। मेरा नाम मुजम्मिल है, ग्राम खुंडा में लोग कारी मुजम्मिल के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने इतना मौका दिया कि मैं अपने गांव वालों के सामने अपने दिल की बात रख सकूं और आप लोगों से बता सकूं कि मेरे क्या विचार है और क्या सोच लेकर के हम इस काम के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं एक छोटी सी बात अपने बारे में बताऊं कि मैं दुनियावी एतबार से वाकईतन एक मुख्तसर सा आदमी हूं, एक छोटा सा आदमी हूं, लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाले ने इस कदर इज्जत से और हौसले से नवाजा है। ये उसका करम है कि पूरी दुनिया देखी और हर तरह के लोगों से ताल्लुक रहा और ज़िंदगी जो है अब तक बहुत खुशगवार गुजारी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से मुसलसल गांव में रहना हुआ है, कुछ इस तरह के हालात सामने आए जो अपनी नज़रों से इस तरह की चीज़ें देखी जो वाकईतन दिल को तकलीफ़ देती है। गांव के हालात, रास्तों के ताल्लुक से ले लीजिए आप, गुरबत के ताल्लुक से ले लीजिए, गरीबों के मकान के ताल्लुक से ले लीजिए, गरीब बेटियों की शादी के ताल्लुक से ले लीजिए, कितने इस तरह के मसाइल है बूढ़े औरतों मर्दों के ताल्लुक से ले लीजिए या बेवा औरतों के ताल्लुक से ले लीजिए, जो कि लोग परेशान हैं, उनके पास इतना भी सहारा नहीं है कि किसी बेवा की एक पेंशन हो या किसी बुज़ुर्ग की एक पेंशन हो या किसी गरीब की बेटी घर में बैठी हो और उसकी शादी कराने की कोई फिक्र करता हो। वाकईतन ज़रूरी नहीं उसके लिए हम प्रधान होते, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस तरह के काम है कि मैं एक अकेला आदमी शायद इसको अंजाम ना दे पाता। फिर उसके बाद हम लोगों ने मशवरा किया, कुछ लोगों ने इसरार किया और इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आप इस कोशिश कीजिए, जो आपकी जो ये ज़हनियत है, अगर आप वाकईतन इलेक्शन में खड़े होंगे और आपके मुकद्दर में ये चीज़ हो गई और आप कामयाब हो गए इस ग्राम खुड्डा के इलेक्शन में, तो हो सकता है कि आप सबको लेकर के इस काम को आसानी से अंजाम दें। इसलिए हमने जहन बनाया और इस जहन और को बनाने के बाद ये फिक्र लेकर के हम लोग खड़े हुए हैं कि हकीकतन इस ग्राम खुड्डा को जिस काम की भी ज़रूरत है वो हर काम को हम पूरा कराएँगे, चाहे वो रास्तों के ताल्लुक से हो या फिर रास्तों में सफाई के ताल्लुक से हो या फिर किसी गरीब बेटी की शादी के ताल्लुक से हो या किसी बेवा की पेंशन के ताल्लुक से हो या किसी बूढ़े माँ बाप की पेंशन के ताल्लुक से हो या फिर किसी के अंदर कोई माजूर किसी घर में मजबूर बैठा है उसके ताल्लुक से हो कि एक लाचार आदमी घर में बैठा हुआ है और उसकी पेंशन के इंतजाम नहीं है या फिर किसी ऐसे गरीब के ताल्लुक से हो जिसके पास मकान नहीं है या फिर किसी ऐसे गरीब के ताल्लुक से हो जो बहुत जद्दोजहद और कोशिश करने के बाद भी बहुत मुख्तसर 100 या 200 रुपए की मजदूरी कभी कभी हासिल कर पाते हैं, मुस्तकिल उनके पास रोज़गार नहीं है। तो ये इस तरह की बहुत सारी परेशानियाँ हमारे गांव के अंदर है जो ये हम फिक्र लेकर के खड़े हुए हैं और इसमें हम अपने ग्रामवासियों से ये अपील करते हैं कि आप मेरी इस फिक्र को और मेरी इस जद्दोजहद को कामयाब बनाइए, क्योंकि आप लोग अगर मेरे साथ खड़े होंगे, मैं वाकईतन मेरी अकेला करने की कोई हैसियत नहीं है, मैं अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं खड़ा हो गया हूं, आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। आप लोग अगर मुझे सहारा देखेंगे तो आने वाले 5 सालों में हर वो चीज़ आप लोग अपनी नज़रों से देख पाएंगे जो एक ज़माने से आपने इस गांव के अंदर नहीं देखी है। और मैं ये अपने दिल से कहता हूँ और जो हकीकत है उसी को बयान कर रहा हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम हर उस काम को अंजाम देंगे जिस काम की इस ग्राम खुड्डा को ज़रूरत है। और ऊपर वाले की जात से उम्मीद करते हुए यह भी कहता हूं कि 5 साल के बाद जब इस ग्राम खुड्डा का कोई शख्स गांव से बाहर निकलेगा तो वो यकीनन जिक्र करेगा कि मुजफ्फरनगर शहर में और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में एक गांव खुड्डा है।
जिसका मैं रहने वाला हूँ, और फख्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस गाँव का नाम लिया जाएगा, और ये बात मैं यकीन के साथ कहता हूँ। और जहाँ तक हमारा और ताल्लुक है कुछ करने का, ये जो मैंने बात बताई ये हो गई थी जो अपनी नज़रों से एक गुर्बत और छोटे तबके में हमने परेशानी देखी। उसके अलावा अब आ जाइए तालीम के ताल्लुक से। तालीम के ताल्लुक से हमारा जहन ये है कि हम मुसलसल गांव में रहते हैं, हमने अपने गांव में सरकारी स्कूलों के हालात भी ऐसे देखे हैं कि वहां पे बहुत सारी कमजोरियां हैं। हमने यहां के अध्यापकों को देखा, वो बेचारे चाहते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी कोशिश से स्कूल को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अध्यापक अपनी कोशिश से बेहतर जब बनाएगा, जब गाँव का एक जिम्मेदार उनका साथ दे, उनका सहयोग दे, स्कूल में जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ज़रूरत को पूरा कराए, हफ्ते में कम अज कम एक मर्तबा स्कूल में जाए, बच्चों से पूछ किछ करे, उनका इम्तिहान ले, उनसे सवालात करे, और अध्यापकों को इस चीज़ की तरगीब दिलाए कि उन्हें महसूस हो कि हमारे ऊपर है जो यहाँ पर बहुत ही निगरानी करता है, वो लोग भी फिक्रमंद हो, और जो बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक से काम है हमारे सरकारी स्कूलों में वो उरूज पर आए, ना कि सरकार का पैसा ज़ाय हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि सरकार पैसा देती रहे और हम उसका इस्तेमाल ना करें। सरकार